टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। अलीगढ़ थम्सअप कोल्ड ड्रिंक में मिली आपत्तिजनक वस्तुएं स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों की मानसिकता से भी हो रहा खिलवाड़। जिला अलीगढ़ के थाना शासनिक क्षेत्र पाला साहिबाबाद में आज उस समय लोगों को गुस्सा उबाल लेने लगा जब एक कार्यक्रम के दौरान कोल्ड ड्रिंक में आपत्तिजनक वस्तुएं मिली। तब उनकी नजर दूसरी कुछ कोल्ड ड्रिंक में पड़ी। इस वस्तुओं को गौर से देखा तो ज्ञात हुआ ये आपत्तिजनक वस्तु है, जिसकी शिकायत हमें दुकानदार से करनी चाहिए। दुकानदार ने कंपनी का हवाला देते हुए अपनी जान बचाई। आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक में कीड़े मकोड़े निकलना तो आम बात है, लेकिन बंद कोल्ड ड्रिंक में आपत्तिजनक वस्तु का निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, ऐसी कंपनी ना तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि लोगों की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक घर के सभी सदस्य पीते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे भी होते हैं। छोटे बच्चों के सामने खाने पीने के सामान इस तरह के वस्तु के निकलने से बच्चों की मानसिकता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसको देखते हुए ग्राहकों द्वारा मौके पर फूड इंस्पेक्टर को इस मामले से अवगत कराया गया। फूड विभाग की टीम द्वारा कोल्ड ड्रिंक को अपने कब्जे में लेकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं मौजूदा लोगों द्वारा कंपनी पर कार्रवाई करवाने की बात भी कही गई। उनका कहना है, जिस तरीके से कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर है तो इस कंपनी गलती करना कोई मामूली बात नहीं है, यह लोगों में बुरी काफी बुरा प्रभाव डालेगी, जिसकी सरकार द्वारा कार्रवाई कर सजा देना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। कोल्ड ड्रिंक थम्सअप की कोल्ड ड्रिंक ली थी हमने, हमारे संगठन का कार्यक्रम था तो उसमें हमने 24 बोतलें मंगाई थी, जिसमें की 20 बोतलें तो पी ली गई थी, 4 बोतलें हमारे पास शेष रह रही थी। इन बोतलों में हमने देखा कि कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं इसके अंदर, जो कि अगर इसका कोई भी व्यक्ति अगर इनको पी लेता तो हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के साथ हानिकारक कोई ना कोई उत्पन्न हो जाता उनके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज इसमें नजर आ रही है कि इसको बोल भी नहीं सकते हैं हम, ऐसी चीज नजर आ रही है। जब इतनी बड़ी कंपनी जो थम्सअप, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, जो ऐड करते हैं अगर तू पानी ठंडा हाथ में ले लो आ जाएगा ठंडा तू पानी, मगर ये तू पानी ठंडे में तो ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पहुंचाएंगी। मेरा जनता से यही अनुरोध है कि ऐसे ब्रांडों को बिल्कुल न पिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाएंगे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गुप्ता, विश्व हिंदू महासंघ से जिला अध्यक्ष हूँ। अंदर कुछ गंदगी टाइप की है या फंगस टाइप का है, कुछ है मतलब, तो मुझे जो भेजा गया द्विवेदी जो हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी देखें तहकीकात करें। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे जो है यहाँ शीशी दिखाई नहीं, उन शीशियों में मैंने देखा तो मैंने भी पाया कि हाँ फंगस वगैरह लगा। अच्छा अच्छा, बात करा आपसे व्यक्ति की कस्टडी से ये बोतलें हमने देखी है, आधा किलो का डब्बा व्यक्ति से मैंने बिल मांगा, ठीक है कहाँ का बिल है, तो उन्होंने वो बिल दिखाया कि बी आर एंटरप्राइजेस एडीए का हम उतार हो गया। तो हम यहाँ पूरे टीम के साथ बी आर एंटरप्राइजेस पे आए और वहाँ पे उनका जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें चेक करवाया कि उसी बैच नंबर का माल और भी है कि नहीं है, तो वहाँ पे उसी बैच नंबर का माल पाया। गोदाम का आप प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि इन्हीं के गोदाम का, क्योंकि बिल इनके पास जो बिल दिखाया हमें वो इन्हीं के फॉर्म का ही बिल है, इसलिए प्रथम दृष्टिया तो इन्हीं का
माल महसूस हो रहा है। किस तरीके की कार्रवाई की है? कार्रवाई ये कि अगर एक्सपायरी माल इम्तिहान पाया गया तो उसको सीज किया जाएगा और ये जो फंगस लगा हुआ माल है वो उसका सैंपल लिया जाएगा। अलीगढ़ से टॉप न्यूज संवाददाता सूरज भान बघेल की रिपोर्ट।